साथियों को नमस्कार। काव्यंकुर आज सपनों की दुनिया से निकलकर वास्तविकता की धरातल पर अवतरित हो चुकी है। मैं इस यात्रा में सहयात्री रहे सभी सहयोगियों को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और हमारे गणमान्य जन मैं इनका आभारी हूं, बहुत समय निकाल के ये हमारे पास आए। सबसे पहले चार लाइनें मैं इन सभी महानुभावों के लिए कहना चाहता हूं कि जब कभी बादल गमों के खार लेकर आएंगे, जब कभी बादल गमों के खार लेकर आएंगे, ये दीवाने प्रेम की बौछार लेकर आएंगे। जब कभी बादल गमों के खार लेकर आएंगे, ये दीवाने प्रेम की बौछार लेकर आएंगे। और चाहे कितने हो अंधेरे जिंदगी की राह में, जश्न और उत्साह ये हर बार लेकर आएंगे। हमारे निहार जी बहुत बढ़िया अच्छा संचालन कर रहे हैं। सोचता हूँ चार पंक्तियां इनको भी सौंप दूं कि प्यार के किस्से पुराने हो गए, प्यार के किस्से पुराने हो गए, तंबुओं के शाम याने हो गए और लौट कर वो आज तक आई नहीं, इनके भी बच्चे सयाने हो गए। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, ये पंक्तियां मैंने इनके बड़े भाई के लिए लिखे। खैर आप सभी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, चार पंक्तियां आप सभी के लिए कि नमी आंखों में आंसू की छिपाना भी जरूरी है, नमी आंखों में आंसू की छिपाना भी जरूरी है और लबों पे मुस्कुराहट को सजाना भी जरूरी है। और शिकन गम की जहां चेहरे की रंगत को चुराती हो, वहां हंसना जरूरी है, हंसाना भी जरूरी है, वहां हंसना जरूरी है, हंसाना भी जरूरी है। तो साथियों, हंसने हंसाने के लिए बहुत छोटी छोटी बातें, एक हास्य कविता का पिटारा जो मैं लाया था उसमें से कुछ विषय आपको सौंपता हूं। हमारे यहाँ हरियाणा में एक कहावत है कि नाई में और नेताजी में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। नेताजी उतार लेते हैं जनता की खाल भी, नाई नेताजी उतार लेते हैं जनता की खाल भी और नाई पैसे भी लेता और बाल भी। लेकिन इनसे तो अच्छे होते हैं हमारे देश के डॉक्टर। भाई डॉक्टर साहब जब खून निकालते हैं तो बदले में देते हैं रिपोर्ट भी, और नेताजी खून भी लेते हैं और वोट भी। पर उन सबसे कई कदम आगे हमारे देश के बच्चे। इस देश में बच्चे बहुत होनहार हैं, बच्चे इतने होनहार हैं कि एक बार एक टीचर ने बच्चे से पूछ लिया कि बेटा ये मोटिवेट क्या होता है। बच्चा कहने लगा, साहब मोटी है तो वेट तो हो गई। लेकिन कभी कभी बच्चे इतने गहरे जवाब दे देते हैं कि बड़े बड़े लोग भी सोचने में मजबूर हो जाते हैं। अचानक अध्यापक ने कक्षा में पूछ लिया कि भारत एक दिन करप्शन फ्री देश बनेगा, बेटा बताओ ये कौन सा काल है। बच्चा बोला, श्रीमान ये तो गलत ही सवाल है, भूख के गीतों में गरीबी की है, मिलती बमुश्किल ही रोटी व दाल है, डाकू लुटेरे हुए माला माल है और जनता बेचारी के पिचके से गाल है, और उसके बावजूद भी अगर आपका यही सवाल है तो माफ करना सर, भारत एक दिन करप्शन फ्री देश बनेगा, यह असंभव काल है, यह असंभव काल है, यह असंभव काल है। आधी एक मुक्तक सुना के मैं अपनी जगह लेना चाहूंगा। हमारे विनय राय जी ने वो याद ताजा कर दी, इन्होंने कुछ दुर्घटना की बात करी, दुर्घटना मैं भी आपसे साझा करता हूँ कि बहुत महंगा पड़ा मुझको मोहब्बत का ये अफसाना, बहुत महंगा पड़ा मुझको मोहब्बत का ये अफसाना, करा के घर जमी गिरवी हुई गायब वो रुखसाना, महीनों बाद आई आज ही वो रूबरू मेरे, थमाकर कार्ड बोली भैया शादी में जरूर आना, थमाकर कार्ड बोली भैया शादी में जरूर आना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।